Mole. This is a very interesting topic in class 9 chemistry, which is represented as Avogadro number, that is Na or N0, and it is equals to 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है मोल को, कि अगर एक दर्जन, नॉर्मल अगर आप समझिए एक दर्जन होता क्या, व्हाट इज एक दर्जन, एक दर्जन किसी भी चीज की अगर आप बात करते हैं, एक दर्जन का मतलब होगा कि देयर विल बी द टोटल नंबर ऑफ 12 पीस ऑफ एनीथिंग। आप कहते हो एक दर्जन पेन, इसका मतलब वो पेन की संख्या कितनी, 12। आप कहते हो एक दर्जन बुक, मतलब 12 पीस बुक है। उसी तरह मोल केमिस्ट्री में एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। अगर हम कहते हैं सोडियम, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये एक मोल सोडियम है। ये हम अगर लिख देते हैं 2Na, इसका मतलब 2 मोल ऑफ Na है। बात समझ आ रही है? अब जैसे आपने कहा Na, इसका मतलब हो गया चुकी है एक एलिमेंट है, तो इसकी टोटल संख्या एटम की 6.022 इंटू 10 to the power 23 होगा। उसी तरह हमने अगर 2Na लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह अगर हम आयन लिखते हैं, कैल्सियम आयन, इसका मतलब ऑब्वियसली हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आयन, दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ कैल्सियम आयन। ये अगर हम यहां 2 मोल कैल्सियम कर देंगे तो ये अपने आप खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कैल्सियम आयन। उसी तरह हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2O, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ H2O। फिर से वही बात आ गई जो अभी अभी मैंने आप सब लोगों को बताया, दैट विल बी 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर। क्लियर? ओके, गुड। अब समझना क्या क्या है हम लोगों को, हमें मोलर मास निकालना पहले से आता है। अगर हमने यहां लिखा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर, तो हम यहां इसका मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 ग्राम मास होता है वॉटर का। इसका सिंपल सा मतलब बन रहा है केमिस्ट्री में कि 18 ग्राम मास है इतने मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर का। या सोडियम का मास अगर 23 ग्राम है तो 23 ग्राम सोडियम एटम कंटेन दिस मच नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम। इससे हम एक एटम सोडियम का भी मास इजीली निकाल सकते हैं। बेस्ट वे है ये समझने के लिए कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और सिंपल सी बात हो गई कि जो फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी बुक में लिख रखे हैं, दैट इज स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन N0, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन। यही 2 फॉर्मूले हैं जिससे अलग अलग फॉर्मूले डिराइव होते हैं, जहां स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल एटम और आयन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन को हम गिवन पार्टिकल गिवन एटम कह सकते हैं, गिवन मॉलिक्यूल कह सकते हैं जो दिया होगा, और ये हमारा एवोगाड्रो नंबर है जो ये ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है 6 point something जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वही स्मॉल एम इज गिवन मास एंड कैपिटल एम विल बी द मोलर मास जो हर मॉलिक्यूल के लिए फिक्स है। तो आज फिलहाल इतना ही, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये चीजें आसानी हुई क्लास 9 के। ओके, गुड।